आज तक नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आउटसोर्सिंग के तहत कार्य कर रहे संविदा कर्मियों ने विभाग से समान वेतन लागू करने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर सभी संविदा कर्मियों ने 7 सितम्बर को इको गार्डन लखनऊ में शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन किया। अमेठी जनपद के सभी पावर हाउस कर्मचारियों ने भी धरना स्थल पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। धरने पर पहुंचे कर्मचारियों ने अपनी मांगों में काम करने के दौरान घायल हुए संविदा कर्मियों के इलाज की समुचित व्यवस्था की मांग की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कर्मचारियों ने कहा कि यदि संविदा कर्मियों की मांगे पूरी नहीं की गई तो संगठन द्वारा 8 सितम्बर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा। ब्यूरो चीफ अंकित यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आज यहाँ पर किस प्रकार का धरना प्रदर्शन आप लोग किए हैं? ये हम लोग बिजली विभाग से हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड संविदा कर्मचारी संघ से। तो हम लोगों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। हम लोगों की समस्याएँ हैं जो हमको 8,000-9,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, इसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का सैनिक निगम के अनुसार टेंडर किया जाए और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये दिया जाए। 8-9,000 रुपये में हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पावर हाउस की ड्यूटी करते हैं और लाइनों का के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। हम यहाँ मांग करने आए हैं कि जो हम लोगों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये दिया जाए और जो हमारे संविदा भाई चोटिल हो गए हैं उनको इलाज कराया जाए और इलाज के लिए उचित व्यवस्था की जाए। Right now, and press the bell icon. Never miss an update.